दोस्त पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन क्यों कुछ स्टूडेंट्स एवरेज रह जाते हैं और क्यों कुछ टॉपर बन जाते हैं? सिर्फ एक ही कारण है, वो है इफेक्टिव टेक्निक्स। अगर आप बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, और अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम UPSC, नीट, IIT इनकी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, जो कि 99% नहीं बल्कि 100% काम करती है। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक ध्यान से देखना, क्योंकि हर टेक्निक एक दूसरे से कनेक्टेड है। मुझे ये भी अच्छे से पता है सिर्फ 10% ही इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, जो सच में अपने रिजल्ट्स को बेहतर बनाना चाहते हैं और जीवन में अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आज के इस खास वीडियो में अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। याद करने की टेक्निक्स को समझने से पहले हम जान लेते हैं अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आए हैं। अगर आप UPSC CST की तैयारी शुरू करना चाहते हैं और अनअकैडमी की हेल्प से अगले 6 महीने में जबरदस्त तरीके के साथ अपने पहले ही अटेम्प्ट में UPSC एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी लेकर आए हैं 15 दिसंबर 2020 से आपके लिए 6 महीने के लिए GS बैच कोर्स, जिसमें आपको इस कोर्स के माध्यम से इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हेल्प करेंगे आपके UPSC प्रीलिम्स को बेहतरीन तरीके से क्रैक करने में। खास बात यह है कि ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इस कोर्स के द्वारा आपको 215 से ज्यादा लेसन्स, 9 से ज्यादा टेस्ट, जिनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे 23 टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, और साथ ही NCERT की समरी भी आपको मिल जाएगी, जिसके द्वारा आपका पूरा सिलेबस कवर होना बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा। तो ज्यादा देर मत कीजिए, अभी एनरोल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हाँ, प्रोमो कोड SIDYT10 इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि दोस्त पढ़ाई के साथ साथ गाइडेंस भी बहुत जरूरी है। अब फोकस करते हैं लर्निंग टेक्निक्स पर। नंबर 1, रीड इफेक्टिवली। दोस्तों, आप में से सबसे ज्यादा ये करते हैं, पहली बार जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि उसमें से कुछ ना कुछ याद करते रहें, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब हम पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमेशा सारा कुछ इम्पोर्टेंट लगता है और हमारा दिमाग हर लाइन को याद करने की कोशिश में रहता है। हम सभी जानते हैं कि दिमाग की एक कैपेसिटी होती है और हर चैप्टर 100% इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो हम अपने दिमाग की कैपेसिटी में सिर्फ उन चीजों को पढ़ लेते हैं जो शायद इम्पोर्टेंट नहीं हो। इसलिए पहली बार सिर्फ आपको चैप्टर पढ़ना है, उसको याद करने की कोशिश कतई ना करें। दूसरी बात ये, अगर इम्पोर्टेंट चीजों को याद करना है तो चैप्टर याद करने से पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि हर चैप्टर में सेलेक्टेड पोर्शन ऐसा होता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद जब आप याद करने की कोशिश करेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से याद भी होगा और साथ ही साथ अपने टाइम को भी बचा पाएंगे। नंबर 2, एक्टिव लर्निंग। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि बोल बोल कर पढ़ो तो तुमको जल्दी याद होगा, तो आप हर लाइन को एक मंत्र की तरह जपते रहते हो और बार बार एक लाइन को बोल बोल कर याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये तरीका वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं है। कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को याद करने की कोशिश करते हैं, उसमें से उन चीजों को अंडरलाइन करना शुरू कर दो जो आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं। इम्पोर्टेंट चीजों को सेलेक्ट करने के बाद हमें अपने हिसाब से उस टॉपिक को समझना है। इससे आपके दो काम आसान हो जाएंगे। पहला, जो आपके लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनको बहुत आराम से आप याद कर पाओगे। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे UPSC, नीट, IIT, SSC के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन को आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप रिवीजन करने बैठे तो दोबारा से आपको लाइनों को बार बार दोहराना नहीं है। आपको अपने इम्पोर्टेंट अंडरलाइन शब्दों को देखकर अपने दिमाग में अपने हिसाब से याद करने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपको बहुत कम याद आए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। बस आपको अपने दिमाग पर जोर डालना है, जिससे आपके मेमोरी कनेक्शन स्ट्रांग होंगे और समय के साथ आप खुद में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट पाओगे। नंबर 3, स्मार्ट रिवीजन। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी हम याद करते हैं वो एग्जाम के समय तक लगभग हम भूल जाते हैं। हम अपने दिमाग में लाख कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो समय पर याद नहीं आता। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज साइंटिफिकली समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। ये होता है फॉरगेटिंग कर्व के कारण। जैसा आप देख पा रहे हैं, जब हम कुछ भी याद करते हैं तो तुरंत हमको 100% याद होता है, लेकिन मात्र 20 मिनट के बाद वो 58% रह जाता है, और 1 महीने के बाद मात्र 21% याद होता है। मतलब लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आप 80% भूल जाते हो। तो इसके लिए आपको समय समय पर रिवाइज करते रहना है, और उसके साथ ही हमको इस ग्राफ को स्लो डाउन भी करना है। उसके लिए आपको पहला रिवीजन 1 दिन बाद करना है, दूसरा रिवीजन 3 दिन बाद करना है,
तीसरा रिवीजन 7 दिन बाद करना है, चौथा रिवीजन 15 दिन बाद करना है। ऐसा करने से आप अपने दिमाग पर जोर डालोगे और आपको ज्यादा समय तक याद करने के लिए आपके दिमाग की मसल्स और स्ट्रांग होंगी और मेमोरी कनेक्शन भी आपस में बहुत तेज हो जाएंगे। नंबर 4, टेक केयर ऑफ योर डाइट एंड स्लीप। दोस्तों, मैटर ये नहीं करता कि आप दिन में पढ़ते हो या रात में पढ़ते हो, जब आपको अच्छा लगे, जब आपको कंफर्टेबल लगे, उस समय आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पूरे 24 घंटे में से एक स्टूडेंट को 5 घंटे की नींद जरूर लेनी है, और साथ ही आप क्या खाते हैं इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ज्यादा जंक फूड नहीं खाना और अपनी डाइट में उस खाने को इंक्लूड करें जो ओमेगा 3, फैटी एसिड्स, EPA, DHA, विटामिन B12 इस सबसे भरपूर हो, और साथ ही रात को सोने से पहले आपको हल्का खाना खाना है, थोड़ा पेट को खाली छोड़ना है। तो दोस्तों, ये सब हैं स्मार्ट तरीके याद करने के। कमेंट करके बताएं कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। और फिर से याद दिला दूं, अगर स्मार्ट तरीके से UPSC CSE 2021 की आप तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के 6 मंथ के चैंपियन कोर्स का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। तो ज्यादा देर ना करें, अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करें। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडिमेनिया।